बात करते हैं रणबीर कपूर के ओवर कॉन्फिडेंस की खबर के साथ। रिसेंटली फिल्म बर्फी के डीवीडी लॉन्च पर पहुंचे एक्टर रणबीर कपूर ने ऑस्कर अवार्ड को डिसाइड करने वाली जूरी मेंबर्स को दी एक खास सलाह। क्या है रणबीर कपूर की ये खास एडवाइस? फाइंड आउट इन आवर टॉप स्टोरी। आई होप कि यू नो ऑस्कर वाले जो भी कमेटी है उनके पास कुछ अकल है और ये फिल्म को सिलेक्ट करें और ये फिल्म को सिलेक्ट करें। बर्फी के स्टार रणबीर कपूर ने ऑस्कर नॉमिनेशन कमेटी के अकल पर उठा दिया है सवाल। ऑस्कर वाले जो भी कमेटी है उनके पास कुछ अकल है और ये फिल्म को सिलेक्ट करे और ये फिल्म को सिलेक्ट करे। रणबीर खुलेआम प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऑस्कर नॉमिनेशन कमेटी के मेंबर्स को अकल से काम लेने की दे रहे हैं सलाह। ऑस्कर वाले जो भी कमेटी है उनके पास कुछ अकल है और ये फिल्म को सिलेक्ट करे और ये फिल्म को सिलेक्ट करे। रणबीर का ये सुपर कॉन्फिडेंट अंदाज नजर आया अपनी फिल्म के डीवीडी लॉन्च पर, जहां मीडिया ने जैसे ही उनसे बर्फी के ऑस्कर नॉमिनेशन को लेकर एक सवाल किया तो उन्होंने बड़े कॉन्फिडेंटली ऑस्कर जूरी को अकल से काम लेने की सलाह देते हुए इस फिल्म को सिलेक्ट करने के लिए कह दिया। ऑस्कर वाले जो भी कमेटी है उनके पास कुछ अकल है और ये फिल्म को सिलेक्ट करे। साथ ही रणबीर यहां मन बनाकर आए थे कि फिल्म बर्फी पर लग रहे प्लेजरिज्म चार्जेस का वो खुलकर जवाब देंगे। हमको कहने दो कहां से इंस्पायर है, कहां से कॉपी है। हमारे लिए तो फर्स्ट क्लास फिल्म है, आपको पसंद आई है, हिंदुस्तान को पसंद आई है। और अगर एक अच्छी कहानी है, अगर अच्छे किरदार है, बहुत सच्चाई से बनाई गई है, तो अगर यहां नहीं दुनिया के हर कोने में यू नो ये फिल्म कनेक्ट होगी। वेल रणबीर, अपनी इस फिल्म को लेकर सचमुच आप हैं काफी कॉन्फिडेंट। तभी तो ऑस्कर जूरी हो या प्लेजरिज्म के आरोप लगाने वाले क्रिटिक्स, रणबीर सबकी क्लास लगाने में लगे हुए हैं। वेल रणबीर, कॉन्फिडेंट हो भी क्यों ना, अभी तक जहां भी ये फिल्म दिखाई गई है इसे अच्छा रिस्पॉन्स ही मिला है। साथ ही इस इवेंट पर रणबीर के फुल ऑन कॉन्फिडेंस के पीछे एक और खास वजह थी, और वो वजह आप खुद सुनिए रणबीर कपूर से। आज 5 साल पहले सांवरिया का प्रीमियर हुआ था, सांवरिया आज रिलीज हुई थी, तो आज मेरा फिल्म इंडस्ट्री में 5 साल कंप्लीट होता है। तो वेल रणबीर ने पूरे 5 साल इंडस्ट्री में कंप्लीट कर लिए हैं, लेकिन उनकी जर्नी कभी आसान नहीं रही। आज से 5 साल पहले दिवाली पर रिलीज हुई फिल्म सांवरिया का दर्द रणबीर अभी भी अपने दिल में लेकर घूम रहे हैं। फर्स्ट दिवाली इन बॉलीवुड एंड हाउ इज दिस दिवाली गोइंग टू बी? देखिए, उस दिवाली में हम 2 साल हमने एक फिल्म में काम किया था, फिल्म आज रिलीज हुई थी, कल थिएटर से निकल चुकी थी। वैसे दिवाली की बात हो रही है तो यहाँ रणबीर से पूछा गया कि वो इस दिवाली होने जा रहे बिग बॉक्स ऑफिस क्लैश में किस फिल्म को सपोर्ट करेंगे। दो बड़ी फिल्म आ रही है फिल्म इंडस्ट्री में, बट एज एन ऑडियंस हमें खुश होना चाहिए कि हमें एक चॉइस है दो बड़ी फिल्म देखने के लिए। दिवाली का सीजन है तो हम दोनों फिल्म देखेंगे, मैं तो दोनों फिल्म देखूंगा। इट्स यश जी लास्ट फिल्म, we all have grown up to his cinema. It's such a great cast, Mr. Shahrukh Khan, Katrina Kaif, Anushka Sharma coming together. Shahrukh Khan returns to a love story after a long time, and of course Son of Sardar looks like a complete family entertainer. There's Sanju sir, there's Mr. Ajay Devgan, Sonakshi. I'm interested in seeing both films. I don't know which one I'll see first. मेरे locality में जो theater है वो तो दोनों films play कर रहे हैं, so I don't think mass single screen का लोचा चल रहा है, तो मैं तो दोनों देखूंगा। वेल रणबीर ने यहाँ दोनों फिल्म्स को देखने की बात तो जरूर कही, लेकिन स्क्रीन वॉर का जिक्र मजाक में सही उन्होंने किया जरूर। वैसे रणबीर के साथ यहाँ उनके फिल्म के प्रोड्यूसर सिद्धार्थ रॉय कपूर भी मौजूद थे। और जब यहाँ जूम ने कल दिखाई गई अपनी एक खबर कि क्या विद्या और सिद्धार्थ इस दिसंबर शादी कर रहे हैं उनसे शेयर की, तो इस पर सिद्धार्थ बुरी तरह एम्बैरस्ड हो गए। देखा आपने, सिद्धार्थ ने शादी के सवाल पर एज यूजुअल चुप रहना ही बेहतर समझा। वेल, तो कुछ इस तरह से बर्फी का डीवीडी लॉन्च इवेंट रहा, काफी एंटरटेनिंग और फनी। फॉर सलमा खान, जूम, मुंबई। रणबीर के ओवर कॉन्फिडेंस के बाद आइए आपको दिखाते हैं कोरियोग्राफर फराह खान का बिंदास अंदाज। रिसेंटली एक डांस एकेडमी को प्रमोट करने पहुंची फराह ने जूम के कैमरा पर एक बॉलीवुड सेलिब्रिटी को साफ कह दिया वो उसी से बात करती है जिसे वो बात करना चाहती है। किस एक्टर के लिए फराह ने कहा है ऐसा, लेट्स फाइंड आउट। मैं जिससे नहीं बात करती हूँ वो फिर मैं अपनी मर्जी से नहीं करती। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मेक अ डू अ फिल्म विद समवन हू नॉट सपोर्टिंग यू। सुना आपने फराह खान को, लगता है फराह आज भी अपने किसी अच्छे दोस्त से नाराज है। फराह का साफ कहना है कि वो उसी से बात करती है जिनसे वो बात करना चाहती है। मैं जिससे नहीं बात करती हूँ वो फिर मैं अपनी मर्जी से नहीं करती। साथ ही फराह ने
ये भी साफ कह दिया है कि बिना एक्टर के सपोर्ट किसी फिल्म को बनाया नहीं जा सकता। It is very difficult to make a film, do a film with someone who's not supporting you. Well, अब आप भी समझ ही गए होंगे कि फरा यहाँ किसकी तरफ इशारा कर रही है। जी हाँ, ये इशारा हमें तो अक्षय की तरफ ही लगा, जिन्होंने फिल्म जोकर में काम तो किया लेकिन फिल्म प्रमोशन के वक्त गायब रहे। फिर भी फरा को जानने वाले ये मानते हैं कि वो पुराने झगड़ों को भुलाने में ही बिलीव करती है, और इसका परफेक्ट एग्जांपल शाहरुख शिरीष कंट्रोवर्सी है। एंड वी होप अक्षय के साथ भी फरा का पैचअप जल्द से जल्द हो जाए। वैसे फरा खान यहाँ पहुँची थी एक डांस अकेडमी को प्रमोट करने, और यहाँ फरा ने इस अकेडमी के स्टूडेंट्स के साथ डांस भी किया। Well, डांस की बात हो रही थी तो फरहा ने जूम को यहाँ एक सीक्रेट बताया, कैसे वो खुद स्टार्स के डांसिंग स्टेप्स को कोरियोग्राफ नहीं करती। नॉर्मली आर्टिस्ट को मैं अब नहीं, मेरे पास पेशेंस नहीं है, आई एम अ वेरी बैड टीचर, आई वांट टू टेल यू, कि मैं कोरियोग्राफ करती हूँ असिस्टेंट्स के साथ, एंड फिर मुझे लगता है कि उससे भी बेटर आके एक्टर को डांस करना चाहिए, सो दैट इन बिटवीन जो प्रोसेस होता है वो रिहर्सल करा, वो अब मुझसे नहीं होता। Well, फरा खुद एक्सेप्ट कर रही है कि उनके पास इतना पेशेंस नहीं है कि वो स्टार्स को डांस सिखा पाए। वैसे फरा आजकल दबंग 2 के मच हाइट आइटम नंबर को कोरियोग्राफ कर रही है, और इस बारे में भी फरा ने हमसे बात की। मैं दबंग 2 का गाना कर रही हूँ, तो करीना मेरे असिस्टेंट्स के साथ 3-4 दिन उन्होंने Well, we hope फरहा, करीना की मेहनत और आपकी सुपर्ब कोरियोग्राफी स्किल्स ऑडियंसेस को खूब पसंद आए, और ये आइटम नंबर मुन्नी और शीला से भी आगे निकल जाए। फॉर रोशनी दुबे, जूम मुंबई। फिल्म जब तक है जान और सन ऑफ सरदार को रिलीज होने में केवल 3 दिनों का वक्त रह गया है, और सन ऑफ सरदार के प्रमोशन के लिए अजय देवगन ने दिन और रात एक कर दिया है। वहीं जब तक है जान की टीम 12 नवंबर का इंतजार कर रही है। आखिर ऐसा क्या होगा 12 नवंबर को, लेट्स फाइंड आउट। जब तक है जान और सन ऑफ सरदार के 13 नवंबर पर होने जा रहे बिग क्लैश से ठीक एक दिन पहले यशराज फिल्म्स निकालेगा अपने तुरुप का इक्का। सन ऑफ सरदार के बिग प्रमोशनल इवेंट्स का जवाब देने के लिए यशराज फिल्म्स कर रहा है एक ऐसे प्रीमियर की तैयारी जिसे आज तक बॉलीवुड में ना किसी ने देखा होगा और ना ही सुना होगा। इस प्रीमियर के जरिए यशराज फिल्म्स दिवाली पर पूरी लाइमलाइट अपनी तरफ करने का प्लान बना रहा है। आखिरकार जब पूरा बॉलीवुड एक ही फिल्म को प्रमोट करने के लिए साथ आएगा तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। साथ ही यशराज फिल्म्स इस प्रीमियर के जरिए पूरे बॉलीवुड को ये दिखा देना चाहता है कि उनसे बराबरी करना फिलहाल किसी के बस की बात नहीं है। जूम को एक्सक्लूसिव सोर्सेज से पता चला है कि पूरी यशराज फैमिली इस प्रीमियर के प्रिपरेशन में लगी हुई है, और हर एक माइन्यूटेस्ट डिटेल्स का खुद फैमिली मेंबर्स ख्याल रख रहे हैं। यहाँ तक कि गेस्ट लिस्ट भी खुद पैम चोपड़ा और आदित्य चोपड़ा पर्सनली डिसाइड कर रहे हैं, और साथ ही जूम को पता चला है कि इस बिग इवेंट पर यशराज मीडिया को इनवाइट नहीं करने वाले हैं, क्योंकि वो इस इवेंट को केवल बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के लिए एक्सक्लूसिवली रखने वाले हैं। वेल, यशराज फिल्म्स को अच्छी तरह से पता है कि वो मीडिया को इनविटेशन भेजे या नहीं। इतने बड़े इवेंट को कवर करने के लिए पूरी मीडिया पहुंचेगी तो जरूर। शायद हो सकता है कि ये भी चोपड़ा की एक ट्रिक है अपनी फिल्म को प्रमोट करने के लिए। जो भी हो, एक बात तो साफ है, भले ही सन ऑफ सरदार के मेकर्स और यशराज फिल्म्स कैमरा के सामने कुछ ना बोल रहे हों, लेकिन बैकस्टेज इन दोनों बॉलीवुड बिगीज ने दो दो हाथ करने का मन बना लिया है। साथ ही खबरों की माने तो एडवांस बुकिंग के मामले में जब तक है जान ने फिलहाल बाजी मार ली है, लेकिन सन ऑफ सरदार भी कुछ ज्यादा पीछे नहीं है। इस फिल्म की एडवांस बुकिंग्स काफी अच्छी रही है। वेल, अब तो फिल्म रिलीज में लगभग 2-3 दिन का वक्त रह गया है। अब किसकी स्ट्रेटजी कितनी काम आई, इसका फैसला दिवाली पर ऑडियंसेस ही देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम मुंबई। रिसेंटली एक ब्रांड को प्रमोट करने पहुंची एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित ने मीडिया से बात करते हुए अपने फैंस को दिए दिवाली विशेस। टेक अ लुक। माधुरी दीक्षित इज द न्यू फेस फॉर एन एंटी एजिंग क्रीम, और इसी ब्रांड को प्रमोट करने के लिए माधुरी पहुंची इस इवेंट पर, जहां रखा गया एक टेस्ट टू चेक हाउ वेल डज द प्रोडक्ट वर्क। दिवाली की शुभकामनाएं देते हुए माधुरी इंटरेक्टेड विद द मीडिया इन मराठी, wherein she also requested everyone to use this product for beautiful skin. Oh, दिवाळीच्या बद्दल नक्की सगळ्यांना शुभेच्छा, आणि मला वाटतं की हा प्रॉडक्ट जो आम्ही आणलाय तो नक्की तुम्ही दिवाळीच्या वेळेला वापरा, कारण त्याचे इफेक्ट्स 10 मिनिटात कळतात। इसके अलावा माधुरी ने अपने दिवाळी सेलिब्रेशन प्लान्स भी रिवील किए। दिवाळीचे प्लान्स म्हणजे ऑफकोर्स ही माझी दुसरी दिवाळी होईल इंडियामध्ये आल्यापासून,
आणि ऑफकोर्स माझ्या मुलांना क्रॅकर्स बस्ट करायचे, फटाके लावायचे, पण म्हटलं आवाजवाले नाही लावायचे ह्यावर्षी, कारण नॉईज पोल्युशन खूप आहे आणि वी शूड कीप दॅट डाऊन. तर थोडेसे फटाके, कारण मुलांना आवडतात, आणि पूजा वगैरे, सगळी लक्ष्मी पूजन वगैरे. चलिए दिवाली के इस खास मौके पर वी जस्ट होप कि आपके फैंस भी आपके ब्रांड को यूज करके आप जैसी ग्लोइंग स्किन जरूर पाएं. फिलहाल तो आपकी मौजूदगी ने इस इवेंट को ही खास बना दिया है. फॉर कुणाल मांडेकर, जूम मुंबई. एक्ट्रेस बिपाशा बासु के फैंस के लिए हम लेकर आए हैं उनका ऑल न्यू अवतार. क्या बिपाशा का ये न्यू अवतार है उनकी कोई नई फिल्म के लिए, या कुछ और राज है इस लुक के पीछे, चलिए उन्हीं से जानते हैं. बिपाशा बासु कल मुंबई में एक इवेंट पर पहुंची टू सपोर्ट अ सोशल कॉज, wherein we spotted her in a new look and tried to know about this new avatar of Bipasha's. Nothing, it's just a new look. I'm an actor, I keep on changing my look all the time. It's not for film also. Well, it's definitely, I'm an actor, so it has to be for a film. Which film? I'll tell you later. दरअसल बिपाशा ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के लिए रखे जाने वाले वुमेन्स मैराथन को सपोर्ट करते यहाँ नजर आई और अपने इस कॉज के बारे में हमसे बात भी की. लगता है कि मैं आज तक जितने भी कॉजेज से जुड़ी हूँ 7 साल में, ऐसा कोई एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इफ आई एम कॉल्ड फॉर एनीथिंग टू डू विद हेल्थ एंड फिटनेस, मैंने हमेशा वक्त निकाला है. अगर मैं निकाल सकती हूँ तो मैं हमेशा आती हूँ. और ये एक बहुत ही अच्छा कॉज है क्योंकि ये एक विमेंस मैराथन है, बहुत एक्सक्लूसिव है. यहाँ पे यू नो द लेडीज वोंट फील प्रेशराइज की यू नो द मेन आर रनिंग. अपार्ट फ्रॉम द सोशल कॉज, बिपाशा आल्सो शेयर्ड हाउ शी विल बी सेलिब्रेटिंग दिवाली दिस ईयर. दिवाली इज माय मोस्ट फेवरेट फेस्टिवल. आई डू माय ओन लक्ष्मी गणेश पूजा एट होम एंड आफ्टर दैट आई गो टू माय मॉम्स हाउस एंड आफ्टर दैट आई विल दिस ईयर बी अटेंडिंग कपल ऑफ पार्टीज. We wish you a happy and safe Diwali, Bipasha, and we just hope ki is saal aapki films ke saath Diwali ka pataka aap box office par zaroor explode kare. For Roshni Dubey, Zoom, Mumbai. सलमान खान की फिल्म दबंग 2 का फर्स्ट टीजर लॉन्च हो चुका है, लेकिन अगर आप इस फिल्म की और भी इनसाइड डिटेल्स जानना चाहते हैं तो देखिए हमारा ये खास इंटरव्यू, जहां मलाइका अरोरा खान दबंग 2 के कुछ सीक्रेट्स हमारे साथ शेयर कर रही है. आज मलाइका पूरी तरह से चेंज दिखी हमें और काफी कुछ पर्सनल चीजें भी शेयर हुई आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में. मलाइका, यहाँ वेलकम टू जूम. थैंक यू वेरी मच. अभी भी मेरा स्टेटमेंट यही रहेगा, नो कॉमेंट्स, बट ज़्यादा पर्सनल बातें मैं कभी नहीं बताती हूँ. आज क्या हुआ यहाँ पे जिलेट के लिए, तो ऑब्वियसली शेविंग एक बहुत ही पर्सनल व्हाट टू से टास्क है, तो थोड़ा बहुत पर्सनल, थोड़े बहुत पर्सनल कमेंट्स आए हमारे यहाँ. कितना फोर्स कर पाती हैं आप किसी को शेविंग करने, अगर अरबाज की बात करें तो क्या आप कभी आपको फोर्स करना पड़ा है, या उनको पता है कि आपकी चॉइस क्या है, उन्हें क्या करना है? अब उनको पता है कि मेरी चॉइस क्या है, लेकिन ज़्यादातर पहले काफ़ी मैं फोर्स करती थी, अब उनको पता है. उसके अलावा काफ़ी बिजी है मलाइका, प्रोडक्शन का एकदम शूटिंग एंड चल रही है दबंग 2 की, पोस्टर आउट हो गए हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है. कितनी बिजी है, क्या क्या चल रहा है दबंग 2? Well, it's in full form. बड़ा अच्छा लग रहा है कि लोगों को पोस्टर बहुत पसंद आ रहा है, एंड अब म्यूज़िक भी लॉन्च होने वाली है, एंड वी आर रियली एंजॉयिंग इट. द रिस्पॉन्स हैज़ बीन फैंटास्टिक, इट्स बीन प्रीटी ओवरवेलमिंग, एंड वी आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. आजकल जो चर्चा में है सबसे ज़्यादा वो करीना का आइटम नंबर, जो भी फेविकॉल, उसके बारे में बताइए कैसे हुई शूटिंग. हमने आई थिंक परसों हम देखा था महबूब स्टूडियो में शूट्स चल रहे थे, हाउ इज़ इट? इट्स गोइंग ऑन इन फुल स्विंग, एंड And Kareena has been fantastic. She's been very, very professional, supportive. She's enjoying it. When see, you know, you can see her enjoying it. We enjoy it. She's looking beautiful. बहुत मज़ा आ रहा है. इसके अलावा अगर पोस्टर की बात करें तो सेम वो चुलबुल पांडे का स्टाइल, ऐसे लुक एंड दबंग 2. आई मीन ये इंस्पिरेशन क्या पहले वाले से कुछ चेंजेस करने का, कुछ नया करने का नहीं सोचा आपने एज ए प्रोड्यूसर की इस बार कुछ नया दिखाते हैं? नॉट दैट ग्लासेस चुलबुल पांडे, दैट इज़ द ट्रेडमार्क ऑफ चुलबुल पांडे. हाउ कैन यू टेक दैट अवे? वो जहाँ भी जाते हैं वो अपने चश्मा को अपने शर्ट पे टंगा के जाते हैं, सो दैट इज़ हिज ट्रेडमार्क, यू कॉन्ट टेक दैट अवे फ्रॉम हिम. इसके अलावा दिवाली में धमाका होता है, लोग सेलिब्रेट करते हैं, मलाइका किस तरह से दिवाली मनाने वाले? इस बार तो हम इट्स अ वर्किंग दिवाली, क्यों हम हमारी म्यूज़िक लॉन्च होने वाली है, सो वी आर वेरी वेरी राइट नाउ पोस्ट प्रोडक्शन चल रहा है एंड वी आर बिजी विद दैट, सो इट्स अ वर्किंग दिवाली. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे. Just
PFMI 2011 Ankita Shori is all set for Diwali celebrations. और इसी खास उत्सव की तैयारियां करने के लिए अंकिता निकली है for shopping and with her designer friend Saiba Matharu who accompanied her for a grand celebration. Ankita was wearing a beautiful lehenga choli designed by Saiba Matharu and must say she was looking stunning in it. चलिए let's join Ankita in her Diwali celebration. Welcome, you're already decked up in the Diwali outfit. Just tell us that, you know, what are you wearing, whom are you wearing? I'm wearing Saiba Matharu right now. And I think all her love shows in the garments she weaves for me because I think she puts all her love in this. And I really like this garment because it's got gold, black, red. I think, it's very edgy. And lehenga choli is my favorite garment. And there are two people who make it the best way. One is Manish Malhotra. I often wear him and I wear hers. So tell us what went behind creating this outfit, and you've created other outfits for international patterns. Just tell us. She's spoken so beautifully about me. I'm so flattered for the moment. Yeah, I also designed for her international pageant. And for this particular outfit, since it's festivities in the air, it's all about celebration. Gold is in the air. We've come to inaugurate a gold jewelry brand. So her garment has gold in it and black. Black is huge on international ramp this season. So I've added, to break it down, I've added red to it, which breaks the monotony, and she carries it so beautifully. Okay, so what plans do you have for the Diwali day? You know, what would be your look and what are you giving her to wear? What are we doing on Diwali? What are you giving her to wear? I am so awestruck the moment she walked out. This is the first time I'm looking at her in this outfit. I'm so awestruck looking at her. She looks gorgeous. I think I'm just going to give her this. It's just made for her. I didn't mind to keep this one because, yeah, it's really pretty. May Diwali bring a lot of joy and happiness in all the families and all houses out there. And being a daughter of an army officer, also for the people who have lost their loved ones in the battles, even for those families, especially for those families, I wish from the bottom of my heart, because they have lived years in other houses by sacrificing their own people. With this, it's a wrap. Planet Bollywood News में कल हम फिर लौटेंगे लेकर बॉलीवुड की और भी लेटेस्ट न्यूज एंड गॉसिप. Till then, keep watching Zoom, India's number one Bollywood channel.